दोस्तों आज की वीडियो में रहेगा आउजा की ओर से आने वाला SSA 250 250 वाट में। दोस्तों दो मॉडल आते हैं, एक FX और DP। आज की वीडियो में जो है हमारा वो FX है, इफेक्ट प्रोसेसर वाला, जिसमें क्या इको लगा आता है, इनबिल्ट इको इस एम्पलीफायर में है। यही आज की वीडियो में देखना है, इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको ओपन करने से पहले देख लेते हैं, इस पर कुछ डिटेल दी गई होती है जैसे प्राइस वगैरह और ये कहाँ का मैनुफैक्चर है। तो प्राइस इसका अप्रोक्स 17,000 है, 17,010 GST इसमें इंक्लूड है। और ये MRP रेट होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे कम में ही मिलेगा जहाँ मिलेगा। तो चलिए फटाफट से ओपन कर लेते हैं। हर साल कुछ ना कुछ कंपनी चेंज करके देती है, इस साल क्या कुछ अपग्रेड किया है देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें साथ में एक मैनुअल गाइड आता है और एक वारंटी कार्ड, और साथ में दो फ्यूज आते हैं, बस इतना ही कुछ इसमें पैकिंग में दिया होता है। और इस बार फ्यूज़ भी एक ही दिया है, ये हर बार दो फ्यूज़ आते हैं, फ्यूज़ अब एक देना शुरू कर दिया है आउजा ने। और थर्माकोल भी ऊपर से लगाया है, पहले साइड से लगाता था। थोड़ा बहुत चेंज हर साल कुछ ना कुछ कंपनी करती है। तो मैं फटाफट से इसे बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद में इसका क्लोज लुक रिव्यू वगैरह देख लेते हैं। फ्रंट पैनल में दोस्तों हमें पहले चार स्विच देखने को मिलते हैं, जो कि दो स्विच इको ऑन ऑफ करने का काम करते हैं, माइक 5 और 6 में, और माइक 3 4 में जो स्विच लगा है ये आपका ऑक्स और माइक सेलेक्टर है। ही दो ऑक्सिलरी इनपुट हैं इसमें, 6 माइक इसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन इको जो मिलेगा आपको सिर्फ दो माइकों में ही मिलेगा, माइक 5 और 6 में। इको में 3 वॉल्यूम लगाए गए हैं, डिले, रिपीट एंड इको लेवल। और MCB भी इसमें 12 एम्पियर का अच्छा लगाया है। चेसी में कुछ इनग्रेव्ड डिज़ाइन दिया है, जो क्या होलोग्राम के साथ साथ बार कोड भी स्कैन करने के लिए दिया हुआ है, ताकि आप इसकी डिटेल ले सकें कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। पावर कोड फैलकॉन की आती है दोस्तों, सभी वायर आहुजा एम्पलीफायर में हो यूज़ होने वाली सभी वायर फैलकॉन की यूज़ करता है, काफ़ी अच्छी वायर होती है इसकी। और थोड़ा फ्यूज़ बॉडी भी अपग्रेड की है, बाकी का बैक पैनल बिल्कुल सेम है एम्पलीफायर का, जैसे आता था पहले वैसा ही है। और इस एम्पलीफायर की 3 साइडें एलमिनियम की होती हैं, बाकी 3 साइडें मेटल की होती हैं, लेफ्ट एंड राइट और बैक साइड एलमिनियम में आती है, बाकी 3 साइडें मेटल की होती हैं, बाकी सब सेम ही है। चलिए दोस्तों एम्पलीफायर को टेस्ट कर लेते हैं, पहले म्यूज़िक पर टेस्ट करना है, उसके बाद में इसका इको टेस्ट करना है। मेन चीज़ यही है कि इसका इको कैसा बजता है, कैसी क्वालिटी ये देगा माइक पर। दोस्तों आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, फुल वीडियो देखना है शुरू से आखिर तक। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपने हेडफोन यूज़ नहीं किया तो प्लीज़ हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि सही क्वालिटी आप उसी में ही सुन पाएंगे कुछ। और म्यूज़िक में काफ़ी अच्छा बजा है, एकदम मीठी साउंड है आवाज़ की। माइक मैंने Beta 58 यूज़ किया है, वही मेड इन चाइना। Thank you.
तो दोस्तों वीडियो पोस्ट करके मैंने इसका इको सेट कर लिया है। इको ने कुछ इस तरह की क्वालिटी दी है जो कि आप अब सुनेंगे, जो कि आपने जगराता या जागरण वगैरह में काम आता है सिंगिंग के लिए, वो कुछ इस तरह का इको चाहिए होता है। दोस्तों आज की वीडियो में मेन यही था कि इसका इको कैसे काम करेगा। इसके इको ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बेहतरीन इको लगाया है आहूजा ने, और इसमें आप दो ही माइक इको में यूज़ कर सकते हैं, बाकी के चार माइक में इको नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इसमें एक्सटर्नल कोई प्लेयर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मोबाइल या आप USB प्लेयर, क्योंकि इसके अंदर USB नहीं लगाया है। 250 में दो मॉडल आते हैं, एक 250 DP आता है जिसमें क्या डिजिटल प्लेयर USB लगा होता है, और दूसरा मॉडल ये है SSA 250 FX जिसमें क्या आहूजा ने इको लगाया है। लेकिन आहूजा ने इसमें नहीं लगाया है USB प्लेयर। खैर कोई नहीं, एम्पलीफायर अच्छा है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बेस्ट एम्पलीफायर है, जो कि काफ़ी पुराना मॉडल है आहूजा का, काफ़ी लंबे समय से आहूजा इसे बेचता हुआ आ रहा है। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। हमारे चैनल पर आपको साउंड से रिलेटेड सभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, चाहे साउंड ऑपरेटिंग को लेकर के हो, चाहे साउंड रिपेयरिंग को लेकर के हो, और बीच बीच में आपको एक अनबॉक्सिंग टेस्टिंग रिव्यू भी देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू।